बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको तो मैं ईदी नहीं देनी ना, आपने बोले मैंने बोला कि चाहिए वो देखो क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट खोल रहे हैं। तो गिफ्ट हम खोलेंगे थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप लोगों ने मेरा ईद का गिफ्ट देखने आओ, साथ मिलकर देखते हैं इसमें क्या है। क्या होगा इसमें? गाड़ी होगी। गाड़ी होगी और क्या होगा? सोना। और किस कलर की गाड़ी होगी? रेड कलर। अब अगर आप क्या कह रहे हो? ब्लैक। आपको क्या लगता है इसमें कैसी गाड़ी होगी? चलो मिलके देखते हैं कि अहमद को जो गिफ्ट आया है ईद का, कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, अहमद को पसंद आता है कि नहीं आता, हमारे छोटे छोटे उमर को पसंद आता है कि नहीं आता। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चलें बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। उम्मीद है आप लोग सारे ईद घर पे गुजार रहे होंगे हमारी तरह। आराम से आराम से। फ्रेंड्स आप लोग रियाना मैम का चैनल सब्सक्राइब करें। उनको थैंक यू तो बोलो। थैंक यू रियाना मैम। और चैनल का क्या नाम है? वायरल ट्राई। जी ये अहमद की एक फैन है जो अहमद को बहुत लाइक करती हैं। आप सब की दुआएं हैं और अहमद को माशाल्लाह इतना अच्छा सिला मिल रहा है, तो उम्मीद है आप सबको भी पसंद आया होगा। आए देखते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी है माशाल्लाह। वाह वाह माशाल्लाह, थैंक यू रियाना मैम। वाओ माशाल्लाह अहमद, देखते हैं कि आपकी फैंस को कितनी पसंद आती है गाड़ी। जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आप सबका थैंक यू। आप सब लोग हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। और अहमद से पूछते हैं कि अहमद आपको गिफ्ट कैसे लगा? बहुत अच्छा। थोड़ा अच्छा कि ज्यादा? बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी गाड़ी मुझको बहुत ज्यादा पसंद है। ये गाड़ी किसको दोगे आप? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को दोगे? चलो चाबी दो, फ्रेंड्स को देते हैं हम। चाबी तो नहीं है। क्यों, चाबी कहाँ है? अबू बकर आपको कैसे लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। किसने भेजा जल्दी से बताओ? रियाना मैम। और रियाना मैम का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्या नाम है चैनल का? वायरल ड्राइव। वायरल ड्राइव। तो रियाना मैम आपका बहुत शुक्रिया इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्त व्यूअर्स जितने भी आप लोग हमारी फैमिली जितने भी आप लोग बने हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इन तमाम प्यारे बच्चों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बरकत वाले दिन, इस खुशी वाले दिन की बरकत से इस कोरोना वबा को ख़त्म करें। सारे बोलो आमीन। आमीन। और
और मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा प्यारा मैं ही लग रहा हूँ। वो तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ईदी किस किस को चाहिए? ईदी सबको चाहिए लेकिन सिर्फ इस बच्चे को नहीं चाहिए। इसने मुझे कहा है कि चाचू मुझे ईदी बिल्कुल नहीं दो। आपको ईदी चाहिए? तो मैं इन सब बच्चों को ईदी देता हूँ आपके सामने। और किस किस को चाहिए ये लो, दस दस रुपए। उमर उमर को दिखाएं, उमर को ये लो जल्दी ये लो। एक मिनट ये लो। ये सारे माशाल्लाह मेरे भतीजे हैं और हमारी छोटी फैमिली है। मैंने सोचा आज अपनी फैमिली से आपको मिलवाता हूँ। और अभी मेरी बारी, मुझे ईदी कौन देगा? जिसको मैंने कम दिए ना उनको मैं बाद में ज्यादा दूंगा ताकि और बच्चे फिर वो ना करें, ठीक है? आपको तो मैं ईदी नहीं देनी ना, आपने बोले। मैंने बोला कि चाहिए। चलिए ये लो। अच्छा अगर जिसकी आगे जेब होगी ये देखो उसको ईदी मिलेगी। चलो आ जाओ दिखाओ। ये तो डिजाइन है, जरा करीब से दिखाएं अहमद को। अहमद कैसे लग रहे हैं? अहमद कैसे लग रहे हैं? अहमद दिखाएं, अहमद को दिखाएं। मुझे अहमद ने तो ईदी ले ली इसने, अब मुझे ईदी कौन देगा? मुझे क्या पता, मैं तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। और आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, खाली जेब है। अब जरा करीब करें, हम अहमद की तलाशी लेने जा रहे हैं। एक मिनट मैं आराम से एक मिनट, छोड़ो। ये देखो, ये देखें, मैं ये एक, जब मैं बोलूंगा एक दो तीन तब करना, एक दो तीन निकालो। खाली जेब इसमें अभी हम देखते हैं इस जेब में क्या है। अच्छा चले छोड़ो, मुझे नहीं देनी ना ईदी, लेकिन जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको ईदी कौन देगा? मैं दूंगा। ये देखें आप सब, ये ले कि मुझे ईदी में, ये देखें ये मैंने आपकी तरफ से ली है ईदी। कहा है? अच्छा, और आज चुके ईद का दिन है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम वो भी कर लें और अहमद खुद ही उनको वेलकम करेंगे। आज वेलकम करें, वेलकम करते हैं आप लोगों पर भूत तालियों में हम बुलाने जा रहे हैं मेरे पापा को। आ जाए जल्दी। ये अहमद के वाले साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक और वेलकम वाले की बोल दे सबको, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम सबको दिली की मुबारक। और उनके उनके लिए एक दो लफ्ज जो आपके बच्चों को इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, उनके लिए आप कुछ भी कह दें थोड़ा सा। मैं कैसे मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं बच्चों को, तो इसका आपको अल्लाह जज़ा खैर दे। आमीन। और आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहे आप जहाँ भी रहें, खुश रहें। आमीन आमीन। और मेरा एक भाई है, मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ। आज सबको उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक रहेंगे और ईद मुबारक बोलें। और मेरी तरह से आपको और आपकी सब फैमिली को ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा, और इन सब के साथ साथ जो हमारा एक शहजादा भाई है, जिसका अहमद ने शो में भी जिक्र किया था कि वो हमारे घर आए थे और वो चले गए और काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। मैंने उनकी पोस्ट भी की थी जिसका कुछ मंथ्स पहले एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, तो वो भी मेरे साथ हैं और वो भी आपको ईद मुबारक बोलेंगे। तो सब तालियां बजा के शहजादा तलहा चला। थैंक यू बच्चों की तरफ से भी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद, अबू बकर और उमर को इतने प्यार दे रहे हैं, और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें।
इसको आप जरूर दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये मेरा भाई बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस भी बनाता था और इसको बहुत शौक भी था, बल्कि है। और इसका बाइक एक्सीडेंट हुआ जब ये कॉलेज जा रहा था, तो बस किस्मत में जो लिखा होता है तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है, तो इसकी एक टांग जो है वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई है, यानी डैमेज हो गई है, और इसका आगे ऑपरेशन भी होना है। तो आप सब ने इसके लिए खसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इसको दोबारा किसी सहारे के बगैर इसको चलना, अल्लाह पाक इसको चलना इसको शुरू हो जाए इसका। और इंशाल्लाह आप लोग दुआएं करेंगे जैसे आप लोग हमें दुआओं में याद रखते हैं, तो बस मैं हमारे पास अल्फाज नहीं होते जब हम आपकी कमेंट्स और आपका फीडबैक देखते हैं। उम्मीद है आपकी हमने थोड़ी सी कोशिश की अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, मिलवाने से तो आपको उम्मीदें अच्छी लगी होगी। और किसी को अगर हमारा कोई लफ्ज़ या कोई ऐसी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी। कैसे सॉरी करेंगे? ठीक है। और हमने एक अहमद का गिफ्ट भी है, ओह हाथ नहीं जोड़ते, और क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट खोल रहे हैं, तो गिफ्ट हम खोलेंगे थोड़ी देर के बाद और चाय शाय पी लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये मेरा बस्ता है, दे वापस। चले फिलहाल के लिए बाय करो, बोलो अल्लाह हाफिज़।